मंगलवार की देर शाम आई भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है और उसका नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम पटना से सटे दानापुर के पीपा पुल पे हैं और पीपा पुल चार हिस्सों में बट गया है। पहला हिस्सा तो जहाँ पे हम खड़े हैं ये है और ठीक इसके आगे आप देख सकते हैं ये दूसरा हिस्सा है और इससे ठीक सामने आपको देखने को मिलेगा इस पुल का तीसरा हिस्सा और उससे सीधी तरफ अगर देखेंगे तो दूर आपको देखने को मिलेगा इस पुल का चौथा हिस्सा। सामने से लगभग 7 से 8 पंचायतों के लोग इस पुल से आते जाते थे लेकिन उनका रास्ता पूरी तरीके से अब रुक गया है, अब वो इस पुल से नहीं आ सकते हैं। 1 जून से 7 जून तक पथ निर्माण विभाग ने इस पुल को अलर्ट पे रखा था, इस पुल का मरम्मत होना था लेकिन उससे पहले ही ये पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और इस पुल को ठीक करने का भी काम चल रहा है। सामने देखिए ये नाव आपको दो दिख रही होंगी, ये दोनों नाव उस ओर से इस ओर आ गई थी और इस पुल से टकराया था। जब तेज़ आंधी तूफान आया तो ये नाव भी अनकंट्रोल हो गया और दूसरे इलाके से इस इलाके में आया और सीधे इस पुल से आके टकरा गया और इस नाव के जो चालक हैं उनका कुछ अता पता फ़िलहाल नहीं है और लगातार जो मरम्मत का कार्य था वो अब इस बोर्ड को, इस नाव को किसी भी तरीके से यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद इस पुल को फिर से मरम्मत का काम चालू किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल 7 से 8 पंचायतों के लोगों का रास्ता पूरी तरीके से भंग हो गया है, लोग इस पुल से अब आ नहीं जा सकते हैं और सवाल अब भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ये पुल का मरम्मत कब तक होगा, क्योंकि फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये जो दो नाव हैं इनको किस तरीके से हटाया जाए क्योंकि इस नाव के चालक हैं नहीं और जो मरम्मत करने लोग आए हैं वो इस नाव को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने की तस्वीर हमें आपको दिखाना चाहेंगे, जो लोग इस पुल के सहारे आते जाते थे अब वो लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। सामने तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग नाव का सहारा ले रहे हैं और इस पार से उस पार जा रहे हैं और उस नाव में भी संख्या देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या है, करीब 20 से 25 लोग उस नाव में सवार होंगे और जान को जोखिम में डालकर वो नाव से सवारी कर रहे हैं। अगर ये पुल बन जाता तो इस पुल से वो लोग आ जा सकते थे और उनकी जान भी जोखिम में नहीं पड़ती। फ़िलहाल इस पुल का मरम्मत कब तक होता है ये इस पे तो संशय बरकरार है, कब तक होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन पूरी तरीके से रास्ता बाधित हो गया है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।